देखो सर, इधर हमने जो अब तक पढ़ा है, हम उससे आगे थोड़ा सा डिस्कस कर लें। एक्सरसाइज 2.2 ही मुझे करानी है बस थोड़ी सी। नाज इधर देख लो बेटे, स्पेशली आप लोग। हमारे पास क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हमने लिखा पॉलिनोमियल इन एक्स। हमने आपसे कहा था कि जो हमारे पास डिग्री होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें जो जीरोज आते हैं हमारे पास, नंबर ऑफ जीरोज, वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू डिग्री होते हैं। मतलब इक्वल टू, डिग्री के इक्वल हो सकते हैं या डिग्री से कम हो सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हमारे जीरोज होंगे वो मैक्सिमम टू होते हैं, मैक्सिमम। तो इन्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोज मैक्सिमम जीरोज आर टू, ये हमें मालूम। और उन जीरोज का नाम हमने रखा, एक को कहा अल्फा और एक को कहा बीटा। अगर दो जीरोज हैं तो उनको हमने अल्फा बीटा कहा। यहाँ हमने किया था लास्ट क्लास में, आप लोग देख लीजिए, इसको फिर दोबारा से करेंगे, कि अगर पॉलिनोमियल हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है और इसके टू जीरोज होते हैं अल्फा और बीटा, तो यहाँ हमारे पास ये रिलेशन होता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होगा और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होगा। तो एक क्वेश्चन तो हमने यही डिस्कस किया था कि आपको शो करना है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। तो एक तो हमारे पास सिर्फ यही है, दो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 में। फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कॉफिशेंट, ये हमारे पास है। और दूसरा हमारे पास है फॉर्म ए पॉलिनोमियल इफ जीरोज आर गिवन या सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। तो हमसे कहता है कि आप पॉलिनोमियल बनाइए, दो पार्ट है तो दोनों को हम दोबारा से देखेंगे। ये हमारे पास है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो पहला एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह दूसरा वाला पार्ट आज करेंगे, सेकंड क्वेश्चन नंबर टू। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है हम उसी को ले लेते हैं कि हमारे पास पॉलिनोमियल है, हमारे पास पॉलिनोमियल है पी एक्स, फर्स्ट वाला पार्ट जो है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एट, माइनस एट। तो हमें इसके जीरोज निकालने, आप कुछ याद होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, हमारे पास आता है 1 to 8, एट एट के फैक्टर्स ऐसे करने हैं जिनका डिफरेंस टू आ जाए। तो एट के फोर और यस, टू, शाबाश, वेरी गुड। तो ऐसे फैक्टर्स होते हैं 4 और 2, 8 और 1 भी होते हैं लेकिन उनका डिफरेंस 7 आएगा तो वो नहीं लेंगे, 4 और 2 लेंगे। तो आपने किया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, आपने x कॉमन लिया तो x माइनस 4 आया, और अगर आपने 2 कॉमन लिया तो फिर x माइनस 4 आया। तो फिर हम क्या करते हैं, x माइनस 4 को कॉमन ले लेते हैं और x प्लस 2 हो जाता है। तो x माइनस 4 को 0 रखेंगे तो x इज इक्वल्स टू 4 आएगा, और अगर x प्लस 2 को 0 रखेंगे तो x इज इक्वल्स टू माइनस 2 आएगा, ये हमारे पास हो गया। तो हमने क्या कहा था कि इन जीरोज को हम नाम रख देंगे अल्फा बीटा,
तो एक को हम कह देते हैं अल्फा और एक को हम कह देते हैं बीटा। तो पहला पार्ट तो आपके क्वेश्चन का यही है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था, आपसे क्वेश्चन कह रहा था फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये वाला पार्ट तो आपने कर लिया, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपके जीरोज आ गए 4 and -2। अब दूसरा पार्ट क्या है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। अब आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो हमारे पास रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप जो मैंने आपसे भी बताया था कि हमारे पास क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। ये आपको वेरीफाई करना है कि ये इक्वल हैं या नहीं है। तो आप क्या कर लीजिए, आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा होगा 4 प्लस, बीटा हमारा माइनस टू है, तो 4 माइनस 2 ठीक है भाई 2 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 आ गई। अब आपको देखना है कि माइनस बी बाई ए की वैल्यू कितनी होती है। तो अब आप निकालेंगे माइनस बी बाई ए, आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो ये है x²-2x-8। तो इसमें अगर आप चेक करेंगे माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है भाई, -2 -2, और ए की वैल्यू कितनी है, 1 1। तो माइनस माइनस प्लस प्लस 2/1 क्या हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा। तो आप खुद देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू सेम आ गई। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो इस तरह से आपने वेरीफाई कर दिया, प्रूफ कर दिया। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए आपको प्रूफ करना है। तो आप खुद देख लो अल्फा कितना है, अल्फा कितना है आपका और बीटा कितना है, और 4 2 -8 ठीक है। अब सी अपॉन ए, जरा बताओ सी कितना है हमारे पास पॉलिनोमियल में, -8। सी कितना है, -8, और ए कितना है हमारे पास, 1 1। तो -8/1 -8 हो जाएगा। तो आप देखो अल्फा इंटू बीटा और सी अपॉन ए दोनों सेम आ गए या नहीं आ गए। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन, तो ऐसे प्रूफ करना है अल्फा प्लस बीटा को भी और अल्फा इंटू बीटा को भी। ठीक है, समझ में आया कुछ, एक क्वेश्चन करके दिखाओ जरा मुझे।